तेज आंधी तूफान ने किया जनजीवन अस्त व्यस्त। यूपी के शाहजहांपुर में शुक्रवार को रात में आए तेज तूफान ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। बारिश के साथ लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवा के साथ शहरवासी दहशत में नजर आए। अचानक बिगड़े मौसम के मिजाज से सहमे लोग डेढ़ घंटे तक हुई बारिश और हवा थमने के बाद जब घर से बाहर निकले तो पूरे शहर में तबाही का मंजर था। तेज तूफान से जहां 5 घरों में आग लगने से घरों का सामान जलकर खाक हो गया तो वहीं दर्जनों पेड़ जड़ से उखड़कर धराशायी हो गए। तूफानी हवाओं ने शहरवासियों के दिल में दहशत भर दी। लोग जहां थे वहीं ठहर गए। घरों में मौजूद लोग भी शहर में पहली बार प्रकृति के इस रौद्र रूप को देखकर दहशत में आ गए थे। जब हवाओं के साथ बारिश थमी और लोग शहर में निकले तो समूचे शहर का नजारा बदला हुआ था। विद्युत अधिकारियों की माने तो कर्मचारियों को युद्ध स्तर पर अस्पताल में मरीजों को देखने आए तीमारदार सुरक्षित स्थान पर रैन बसेरा में शरण लेने पहुंचे। वहीं तूफान के चलते एक विशालकाय लिप्टिस का पेड़ एक पल में धराशायी हो गया और रैन बसेरे पर गिर गया, जिसमें रैन बसेरे की दीवारें क्षतिग्रस्त हो गई। फिलहाल जिस समय यह घटना हुई उस समय रैन बसेरा में दर्जनों लोग मौजूद थे। वहीं शहर में कई मकानों के छतों पर खड़ी चार दीवारी गिर गई। इसके अलावा सिधौली के महाशीर गांव में तेज तूफान से 5 घरों में आग लग गई। तूफान के चलते आग पर काबू नहीं पाया जा सका, जिससे 5 घरों का सामान जलकर खाक हो गया। आग बुझाने पहुंचे ग्रामीण भी झुलस गए। फिलहाल अभी तक छुटपुट घायलों के अलावा किसी भी जनहानि की सूचना नहीं मिली है। Thank you.